नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल डुगू मामा ब्लॉग पर। तो देखिए, किट्टू तो जा रही है स्कूल और डुगू हो रहा है अकेला, और ये हो रहा है पूरा परेशान, बेचारे का मन नहीं लग रहा। मेरे पीछे पीछे है ये, बस पीछे 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 पीछे। क्या खा रहा तू? क्या खा रहा? बिस्कुट? चल खा ले, मम्मा को भी खुआ दे। खिलाइए मम्मा को, यहाँ 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 मम्मा, इस वाली मम्मा को। मुंह भी फट रहा है, दे 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 दे। क्या मम्मा को झुट्टा पकावा है? उल्लू बनाता है तू? तो तू तो उल्लू बनाता है, गंदा बच्चा। तो आप दूंगी मैं कपड़े, ये देखिए बहुत कपड़े होने हैं, कुछ अभी मशीन में है। तो मैं मोटर चलाऊंगी और ताजा पानी भरूंगी मशीन में। और अभी नाश्ता भी नहीं करा है मैंने, हमने करा नहीं है, दोनों ने नहीं करा, मजी ने भी नहीं करा, मैंने भी नहीं करा। तो पहले तो मैं मशीन लगाऊंगी, उसके बाद करेंगे नाश्ता। तो आप वीडियो में ऐसे बने रहिए। तो जी ये देखिए, चला दूंगी मैं अब मोटर। तो मैंने चला दिया है मोटर। तो अब मैं पानी भरूंगी मशीन में, क्योंकि मुझे मशीन कपड़े धोने थे। तो फिर ताज़ा ही पानी भरूंगी मशीन में, क्योंकि गर्म तो नहीं डालूंगी, फिर ताज़ा ही डालूंगी। वैसे गर्म पानी भी डाल देती हूँ मैं, एक बाल्टी गर्म पानी डाल देती हूँ, बाकी वैसे भर लेती हूँ। पर आज ताज़ा ही भरूंगी, क्योंकि नए कपड़े भी हैं तो इस वजह से। तो ये देखिए जो मशीन में पड़े थे कपड़े, तो ये निकाल लूँगी मैं मशीन में से। और इतने मैंने बाल्टी लगा दी है, एक बाल्टी अंदर लगा दी है बाथरूम में, एक बाहर लगा दी है। तो साथ के साथ दोनों में भरता रहेगा, फिर जल्दी मशीन में पानी भर जाता है और ना टाइम लगता है। तो ये देखिए अंदर की भर गई हूँ, अंदर की ले आई हूँ मैं, अंदर की डाल दूँगी, अब बाहर की डाल दूँगी। और धूप देखिए, धूप आ गई है। और अब ना गर्मियों में हमारी आ जाती है नीचे धूप, और सर्दियों में नहीं आती है। जब धूप की ज़रूरत होती है तब धूप नहीं आती है, और गर्मियों में ज़रूरत नहीं होती है तो गर्मियों में आ जाती है। तो ये मैं मशीन सरकारी कर रही हूँ थोड़ी सी आगे, क्योंकि फिर यहाँ ना जो पाइप है ना, तो इससे पानी यहाँ गिरता है, तो ये अच्छे से एकदम नाली में ही चला जाएगा। तो इस वजह से मैंने मशीन कर दी है आगे। तो ये दूसरी बाल्टी भर गई है, मैं दूसरी भी कर दूँगी इसमें। तो ये देखिए भर दिया है मैंने अब मशीन में पानी। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें सरप। तो ये डाल दिया है मैंने सरप, और मशीन भी कर दी है चालू। तो अब डाल दूँगी मैं इसमें कपड़े। और जैसे कल 13वीं थी, तो फिर आज काम ज़्यादा फैल रहा था। कल तो बस ऐसा ही था कि हाँ, मतलब जैसे होता है ना कि हाँ, जो भी कपड़ा होता है सारा मशीन में कर दिए थे। कपड़े भी काफ़ी हो रहे थे, वैसे इतने भी नहीं थे, पर हाँ हो रहे थे बहुत। कितने कपड़े हो रहे थे, कई जोड़े तो किट्टू और के थे, मेरे भी कई हो रहे थे, माँ जी के भी, इसके बब्बा जी के भी हो रहे थे, दो तीन हो रहे थे उनके, नए भी पुराने भी। तो मैंने मशीन में भर दिए हैं कपड़े। तो मशीन में कपड़े वो करने के बाद, मशीन चालू करने के बाद, फिर मैं आ गई थी रसोई में। तो मैं करने लगी थी नाश्ता बनाने की तैयारी। तो ये देखिए दूध है, तो जो किट्टू तो स्कूल में चली गई थी, ये दूध मतलब पी के चली गई थी वो। और ये जो बच रहा था ना मलाई मलाई सी, तो ये मैंने एक कटोरी में कर दी है। कुछ इसमें ना कल की है और कुछ ये आज की है। तो ये मैंने कर दिया एक कटोरी में। तो अब मैं रखूँगी दूध गर्म होने के लिए। तो ये मैंने दूध छान दिया है, तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल दूँगी। तो पहले तो मैं मलाई नहीं इकट्ठी करती थी, नहीं आती थी, पर अब जैसे ना ये रोटी ज़्यादातर मैं अभी ना रोटी खिलाने लग गई हूँ। मतलब ज़्यादातर भी नहीं, पर एक दो टाइम ये रोटी खा लेते हैं। तो वो जो एक दो टाइम दूध पीते थे ना सुबह ही, जैसे जल्दी दूध पी लेते थे, तो वो दूध अब बच जाता है, तो इस वजह से मलाई आ जाती है। वरना साथ के साथ दूध वो करते हैं तो मलाई नहीं आती है। तो मैं चलो देखती हूँ, जो भी थोड़ा बहुत इकट्ठी होगी मलाई हो ही जाएगी, थोड़ा बहुत दूध घी निकल ही जाएगा। तो ये मैंने एक तरफ दूध रख दिया है, दूसरी तरफ मैंने चाय चढ़ा दिया है, चाय बनाने के लिए पानी। तो ये मैंने अदरक ले लिया है। तो अब मैं अदरक को छेतूंगी, पिटूंगी अदरक को वो करूँगी। तो ये देखिए ये लगी हूँ मैं बेलन से, स्लेप पे करती हूँ। वो मेरे पास नहीं है जो इसका अदरक छेतने का होता है, वो नहीं है, मंगवाऊँगी वो भी। तो फिलहाल तो अभी तो मैं इसमें स्लेप पे करती हूँ, स्लेप पे भी अच्छा हो जाता है। तो ये मैंने डाल दिया चाय में अदरक। तो अब मैं चाय में चाय पत्ती और चीनी, जो कि डलता ही है चाय पत्ती में, चाय पत्ती और चीनी। तो मैंने चाय पत्ती भी डाल दी है, मैं चीनी भी डाल दूंगी। और चीनी ना मेरी इसमें ना चम्मच भी रखी है, पर मुझे चम्मच में सही बताओ अंदाजा है नहीं। और मैं ढक्कन से डालती हूँ, तो ढक्कन से सही डल जाते हैं। तो नाश्ता वगैरह करने के सारा वो करने के बाद बहुत देर, देखिए कपड़े भी मैंने कितने ही धो दिए हैं, कुछ माँ जी ने ऊपर फिला भी दिए हैं, और कुछ ही अब मैं ले कर जाऊँगी।
बीच में कितनी लाइट भी भागी थी, नहीं अब तक तो नहीं भागी थी, उसके बाद भागी थी ये, तो इसके बाद भागी थी। तो ये देखिए, तो आ गई हूँ मैं कपड़े ऊपर लेके, तो माँ जी ने फिला भी दिए हैं थोड़े बहुत, और ये डुगू कर रहा है यहाँ पे सुसु। अब नहीं, ये सुसु खुद करने लग गया, इसे सुसु करना आ गया, जब भी आता है अपना पैंट नीचे कर ही लग जाता है ये सुसु करने में। तो चलिए जी, अब मैं कपड़े फिलवा देती हूँ। तो ये देखिए, अब मैंने धो दिए थे सारे कपड़े, तो अब मैं मशीन धो रही हूँ, मशीन कर रही हूँ साफ। तो आज सही में बताऊँ, लाइट ने बहुत ही ज़्यादा परेशान कराया आज तो लाइट ने, कुछ तो सही में बताऊँ हवा चल रही थी, हवा भी आज बहुत ज़्यादा चल रही थी, बिल्कुल तूफान चल रहा था, और कुछ बार बार लाइट परेशान कर रही थी। लाइट ने भी मुझे काफ़ी लेट करवा दिया था, और फिर सही बताऊँ शाम को ना थोड़ी सी ठंड सी भी लग गई थी, दर्द भी होने लग गया था पैरों में। वही है ना, जब हम कपड़े धोते हैं तो कपड़े भीग ही जाते हैं, कितना भी बचा लो, मेरे तो भीग ही जाते हैं, मेरे कपड़े बहुत भीगते हैं कपड़े धोते हुए। कोई ना कैसे, मैंने बहुत देखे हैं जो कपड़े धोते हैं उनके कपड़े बिल्कुल भी नहीं भीगते हैं, पर मेरे कपड़े बहुत भीगते हैं, पता नहीं क्यों भीगते हैं। मेरी सास भी कहती है तू पता नहीं क्या करती है, कपड़े बहुत भिगोती है तो मेरे भीग जाते हैं, तो मैं क्या करूं। तो फिर लाइट ने मुझे बड़ा परेशान किया, और लाइट की वजह से मेरे, सही में बताऊं, नहाना भी काफ़ी लेट हो गया था नहाने में। तो ये मैंने मशीन धो दी है, धोने लग रही हूँ, अभी धोई तो है नहीं, फिर इस पे मैं मार दूंगी सूखा कपड़ा, ताकि जो ये पानी की छींटे लग लग के ना हमारी मशीन यहाँ पे ना ख़राब हो गई थी, देखिए कितनी वो हो रही है। तो अब मैं इसे इधर रखती हूँ, दूसरी मशीन यहाँ से उठ गई है ना, तो इस वजह से ये अब मैं इधर कर लेती हूँ। तो देखे, तो अब मैं मार दूंगी मशीन पे सूखा कपड़ा, और साथ ही ना मैंने सुखाने वाली में सुखाने के लिए डाल रखे थे कपड़े, तो वे भी निकाल दूंगी मैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं थे, दो चार ही कपड़े थे, किट्टू की पन्नी वगैरह थी। तो इधर मेरा ना पानी में मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा पानी भी पूरा गर्म हो गया था अपने नहाने का लगाया था मैंने। ये ना जो ये क्लिप है, ये तो बहुत लेट की है, ये शाम की 2-3 बजे की क्लिप होगी ये, क्योंकि काफ़ी लाइट, मैंने बताया आपको लाइट ने बहुत परेशान किया था, तो सारे कामों को लेट ही हो गया था। तो फिर अब हो गया था मेरा नहाने का पानी गर्म, फिर तो वो मैंने बीच में पानी हटाया है, तो ये मैंने मार दिया है मशीन पे सूखा कपड़ा। तो अब मैं इसे कर दूँगी मशीन को एक तरफ, सूखा कपड़ा मैंने मार दिया है, इसे जहाँ थी वहीं कर दूँगी। तो देखिए कर दिए मैंने, बाकी इसके ढक्कन खोल दिए ताकि इसमें हवा लग जाए अच्छे से। तो अब मैं यहाँ को ना, जो ये गिल्ला सा हो रहा है, यहाँ को मार दूंगी पोचा, क्योंकि हमारे ना बड़ी सिलाब भी अब तो थोड़ा कम भी होगी है। तो देखिए मैंने मार दिया यहाँ को सूखा कपड़ा, अच्छे से पोचा मार दिया ताकि ये फिर ना ये जल्दी सूख जाता है, वरना झाड़ू मारे से ना पूरा पानी नहीं जाता है, पोछा मार देते हैं ना तो पूरा पानी एकदम जल्दी सूख जाता है, हवा लगते ही एकदम सूख जाता है। तो देखिए मार दिया है मैंने सूखा पोछा यहाँ को, वैसे काम तो हो गया था मेरा अब ख़त्म। तो ये देखिए हवा देखिए कितनी ज़्यादा चल रही है, पूरा तूफान चल रहा है, कपड़े सारे नीचे, और सूरज देखिए सूरज कहाँ चले गए थे। तो ये देखिए कपड़े सारे फैले पड़े, कहीं किट्टू ने ढोलक डाल रखी, कहीं हवा ने कुछ कपड़े, कहीं कुछ, और ये कपड़े मैंने अभी फैलाए थे इतने में ये गिर भी गए थे। पौने 6 बज रहे हैं, उसके बाद ना मैं थोड़ी देर लेट गई थी, थकान सी हो ही जाती है, सुबह से उठ गई थी 7 बजे, तो उठ गई थी मैं, जब से लगी रही थी बीच बीच में इतना भी आराम नहीं, थोड़ा बहुत बैठ जाते हैं, पर ये है कि जो काम खत्म हो गया उसके बाद थोड़ा सा आराम होता है ना, होती है, थोड़ा सा आराम किया, फिर उसके बाद मुझे वीडियो एडिट करी थी मैंने, वीडियो डाली थी तो उसमें भी टाइम लग जाता है। और सही बताऊँ वीडियो एडिट करते करते मुझे आज नींद आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा सोने का मन कर रहा था पर बस सो ही नहीं थी। तो अब तो खाना तो मुझे बनाना नहीं है, रोटी बनानी है, बस दाल तो रखी है, दोपहर दाल बनाई थी, चने की दाल बनाई थी मैंने, किट्टू के पापा जी ने फोन करके कहा था कि आज दाल बनाना, मुझे दाल खानी है, दाल खाने का मन कर रहा है, उन्हें दाल ना बहुत पसंद है, चने की दाल, पहले ना मैं बनाया करूँगी, चने की दाल मुझे अच्छी लगती थी, फिर ना उन्हें भी अच्छी लगने लगी, उन्हें पसंद आ गई, तो अभी भी कहते हैं कि मुझे भी अच्छी लगने लगी है ये, ऐसे सिर्फ अकेले चने की दाल, उड़द की दाल भी डालती हूँ मैं उसमें, अकेले चने की दाल अच्छी लगती है। तो जी मेरा वीडियो भी हो गया है पूरा, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो लेते हैं आपसे इजाजत, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, और एक वीडियो नई वीडियो के साथ मिलते हैं, अच्छे से वीडियो के साथ, आप इस वीडियो को प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। तो